सांसद विवेक बंटी साहू चुनाव जीतने के बाद पहली बार परासिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। सांसद बंटी साहू का फूलों से स्वागत किया गया। छिंदवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू चुनाव जीतने के बाद पहली बार परासिया पहुंचे, जहां जगह जगह सांसद विवेक बंटी साहू का स्वागत किया गया। वहीं राजपूत समाज व साहू समाज ने जिले के सांसद विवेक बंटी साहू को लड्डू से तोला। परासिया प्रभारी ज्योति डहरिया ने सांसद विवेक बंटी साहू को बताया कि सबसे अधिक वोटों से विजय परासिया विधानसभा से उन्हें मिली है, इसीलिए अनुरोध है कि परासिया कुलांचल की कोल माइंस चालू करवाने का विश्वास उनको दिलाना होगा, जिस पर सांसद साहू ने आश्वासन दिया कि जो कोयल माइंस बंद हो गई हैं उस माइंस को चालू करवाने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, जिससे परासिया कुलांचल के लोगों का पलायन ना हो। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले को मॉडल बताकर छिंदवाड़ा जिले को सबसे पीछे कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाएगी जिससे छिंदवाड़ा के नागरिकों को रोजगार समेत सभी उत्तम व्यवस्थाएं दी जाएं। इस कोलांचल में सारी कोल माइंस चालू करवाई जाएंगी। सांसद साहू ने कहा कि जिन्होंने भाजपा व राष्ट्र के हित में कार्य किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत किया है, राष्ट्र को मजबूत किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं व जनता का मैं आभार व्यक्त। छिंदवाड़ा ने इतिहास रचा है और इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी? हमारे कार्यकर्ताओं की थी। कार्यकर्ताओं मेहनत और परिश्रम से यह चुनाव हम लोग जीते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, हमारे संगठन के मुखिया पीटी शर्मा जी के नेतृत्व में यह छिंदवाड़े में विजय श्री हासिल करी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हमारे देश के कार्यकर्ताओं की थी, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का काम किया। और एक बड़ी जीत, 1,13,000 वोट से हम यहाँ जीत लिया और पूरे जिले की 7 विधानसभाओं में इस तरीके के धन्यवाद सभा का हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शुरुआत परासिया से हुई है क्योंकि परासिया ने सबसे बड़ी जीत हमें दी है और परासिया के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग ने दूसरा इतिहास रचा। एक अमरवाड़ा का हमारा उपचुनाव हुआ और वहाँ पर हमारे कमलेश शाह जी विधायक बन चुके विजयी हुए हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देता हूँ। और यह शुरुआत हो गई है छिंदवाड़े की, लोकसभा चुनाव जीते, अमरवाड़ा का विधानसभा का उपचुनाव जीते, आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा इतिहास छिंदवाड़ा हो, जिंदे हो, पूरा जिला हमारे विकास को लेकर के प्राथमिकता है। लंबे समय से एक परिवार के द्वारा छिंदवाड़े को छना गया, छिंदवाड़े को लिखा गया है। छिंदवाड़े की चिंता छोड़ के वो खुद ही अरबपति और खरबपति बनते गए और अपने आपको समृद्ध बनाते गए, लेकिन छिंदवाड़े की जनता की उन्होंने चिंता नहीं करी। अब हम लोग आ गए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा हमारी प्राथमिकता में और छिंदवाड़े का विकास। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।